इस वक्त की बहुत बड़ी खबर डोडा से, जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में चार जवानों के शहीद होने की दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक शहीद होने वालों में सेना के एक अधिकारी शामिल हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से यह खबर आई है। इस वक्त डोडा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा के जंगल में आतंकियों के खिलाफ सोमवार की शाम सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी में 5 जवान जख्मी हो गए, जिनमें से 4 वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं आतंकवादियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सुनील जी भट्ट जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनसे अपडेट लेते हैं। सुनील, इस वक्त किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरी खबर आप दर्शकों को बताएं। हम दोबारा रुख करेंगे सुनील जी भट्ट का, उनसे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन एक बार फिर से यह खबर आपको बता दें क्योंकि सुबह सवेरे यह दुखद खबर सामने आई। जो सरहद के निगहबान हैं, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, वहां से खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, डोडा से, जहां एनकाउंटर हुआ आतंकवादियों से। इसमें 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनमें एक अधिकारी भी शामिल है। 5 जवान कुल मिलाकर हमारे जख्मी हुए। एक की हालत अभी फिलहाल बताई जा रही है कि उनका इलाज चल रहा है, वो घायल हैं। घेराबंदी की गई है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर डोडा से यह खबर है, जहां घने जंगल में यह पूरा जो इलाका है, कई किलोमीटर तक अगर रेडियस पर अगर इसका ध्यान दें तो सिर्फ जंगल ही जंगल आपको नजर आएंगे। संयुक्त यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसमें सीआरपीएफ है, आर्मी है, और एक टुकड़ी ने इनका पीछा किया। रात 9 बजे गोलीबारी होती है, ये सोमवार। चलिए इस पर अपडेट आपको हम पहुंचाते हैं। सुनील जी भट्ट को हम जोड़ते हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुनील, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, ये जो दुखद खबर सामने आई है उसको लेकर क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आतंकवाद विरोधक अभियान है वो लगातार चल रहा है और अतिरिक्त टीम जो है सुरक्षा बलों की बिल्कुल मौके पर है। गहन तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सुरक्षा बलों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। दुखद समाचार आया है आज सुबह की, जो 5 हमारे सुरक्षा कर्मी कल देर रात को गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनमें से 4 जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, लेकिन दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो इसीलिए अब सुरक्षा बल जो है फूंक फूंक कर कदम आगे रख रहे हैं। तो प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों की जो है एग्जैक्ट लोकेशन पता लग पाए और उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। जी, ये कब से सुनील ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरह से ये चीजें, क्योंकि कल जानकारी मिल रही है कि शाम से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, क्या अंधेरे का फायदा उठाया आतंकवादियों ने और ये कब, ये इसको लेकर सेना की तरफ से ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम को सुरक्षा बलों के पास एक पुख्ता जानकारी आती है, एक स्पेसिफिक इनपुट आता है कि जो जंगल का इलाका है यहाँ पर आतंकियों की उपस्थिति थी, और उसके बाद एक साझा अभियान चलाया गया भारत से जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और लगभग 7:45 बजे के आसपास ये अभियान शुरू हुआ और आपके 9 बजे सुरक्षा बल आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो मुठभेड़ हुई उसमें हमारे 5 जो सुरक्षा कर्मी है वो गंभीर रूप से घायल हुए, और अभी सुबह दुखद समाचार आया है जिनसे तहत जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं और एक का उपचार अभी चल रहा है, वो गंभीर रूप से घायल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गहन तलाशी अभियान चल रहा है और इस आतंकवाद विरोधक अभियान को काफी समय लगेगा पूरा होने में। एक बड़ा सवाल इस बीच ये है जो सभी जानना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब हाल फिलहाल सुनील, कश्मीर की बजाय जम्मू में टेरर जो नेटवर्क है वो ज्यादा एक्टिव हमें नजर आता है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? चलिए सुनील काम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन यह दुखद खबर आपको इसमें अपडेट कर दें। घने जंगलों में आतंकवादी छुपे थे, इनपुट मिला, फिर संयुक्त ऑपरेशन, साझा ऑपरेशन शुरू किया गया। एक टुकड़ी ने पीछा किया, आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाया, फायर खोला, इसमें 5 जवान हमारे जख्मी हुए, उनमें से 4 जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है, एक जो जवान है वो घायल बताए जा रहे हैं।
लेकिन जो पूरा इलाका है वो संयुक्त ऑपरेशन में, जिसमें सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी के हमारे जवान हैं, उन्होंने घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कब तक बचेंगे, सवाल ये है, क्योंकि अब तक जिन्होंने भी हिमाकत की सुरक्षा बलों पर, भारतीय फौज पर हमले करने की, उनका क्या अंजाम हुआ दुनिया जानती है। वो अपने सही ठिकाने पर पहुंचा ही दिए जाते हैं, तो इंतजार करते हैं। आतंक के निशाने पर जम्मू रीजन है अब, क्योंकि अब कश्मीर से कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ लगातार, हाल फिलहाल आप जितने भी आतंकवादी घटनाओं को उठाएं उनमें से अधिकांश आप पाएंगे जम्मू बेल्ट में। तो ये एक सवाल, और जो हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और जो सुरक्षा बल के अधिकारी जो नजर बनाए हुए हैं जम्मू को लेकर, अब ज्यादा सुनील जी भट्ट हमारे साथ हमारे जुड़े हुए हैं। और सुनील, अभी इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या ताजा जानकारी देंगे? जी बिल्कुल आशुतोष, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो समूचा क्षेत्र है यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है, सुरक्षा बल भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और एक एक स्थान को खंगाला जा रहा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के वजह से हम आपको मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ का भूगोल आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आप, यहाँ का भूगोल घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है, और ऐसे दुर्गम स्थानों पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी जटिल कार्य होता है, सरल कार्य नहीं होता है। सुरक्षा बल जो है आप यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, और यही प्रयास है कि उन आतंकवादियों का पता लग सके जो आतंकवादी यहाँ जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए। आशुतोष, सुनील, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बड़ा सवाल ये उठ रहा है इस बीच कि वजह क्या है कि कश्मीर से हटकर जम्मू के इलाके में ये आतंकी हाल फिलहाल ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, इसके पीछे की वजह कौन सी है? जी आशुतोष, मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में रखता हूँ। दरअसल आशुतोष, जब से अनुच्छेद 370 और 35 से हटा है, तब से हमने देखा है कि किस प्रकार से कश्मीर घाटी में जो है आतंकवाद पर शिकंजा कसा गया, आतंकवाद पर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ, आतंकी इकोसिस्टम पर प्रहार हुआ, और जो अलगाववादी नेता थे उन पर भी शिकंजा कसा गया, और जो अलगाववादी हैं उनकी फंडिंग बंद हो गई, और उसके कारण पाकिस्तान और अलगाववादी और आतंकवादी बौखला गए, क्योंकि कश्मीर घाटी में उन पर कड़ा प्रहार हुआ और कश्मीर घाटी में उनकी दाल कहीं गल नहीं रही थी, और बौखलाहट में पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली और इस पर उन्होंने काफी, जी आशुतोष क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सुनील, आप नजर बनाकर रखिएगा, अगले सवाल के लिए हम आपका दोबारा रुख करेंगे, अपडेट के लिए आपके पास जरूर आएंगे, और हम चाहेंगे और सभी देशवासी उम्मीद करेंगे कि जो चार हमारे जवानों की शहादत हुई है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके दुश्मनों को उनके भी सही ठिकाने पर जरूर पहुंचा दें भारतीय सुरक्षा बल।